हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल अवी। दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस आपने मेरे चैनल पे देखी होंगी बाइनरी या फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड। आज जो है कुछ अलग है, कुछ खास है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा मेल जिसके बाद शायद मेरा चैनल हो सकता है बंद। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आप लोगों ने, मुझे मिला एक मेल फ्रॉम यूट्यूब जिसमें कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। 2 दिन पहले वो मुझे मेल मिला और सारी चीज़ें उस मेल के बारे में इसी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, अभी जो है आप मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे हो। चलिए गाइस, मेल की तरफ चलते हैं। तो मेरे इनबॉक्स में लेके आपको चलता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास एक मेल आया हुआ है जॉन यूएसए ऑफिस 25 नवंबर को। यहाँ पे जो इन्होंने टाइटल दिया है मेल का, यानी जो सब्जेक्ट देना होता है, वो इन्होंने दिया है कंट्रोल। क्या बात है भैया, कंट्रोल करने वाले, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम जरूर हुई होगी जिसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इन्होंने जो है वार्निंग मुझे दी है। तो इस के बारे में करते हैं थोड़ी सी रिसर्च और देखते हैं कि क्या इस मेल में कहा गया है, और एक्चुअल में अगर ये चीज़ होती है तो क्या मेरा जो चैनल है वो रियल में बंद हो सकता है, और क्या ये जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो होगी इस चैनल पे। तो देखते हैं क्या होता है। तो भैया, मेल को मैंने किया ओपन, तो यहाँ पे लिखा है जॉन यूएसए ऑफिस 2 डेज एगो। उसके बाद YouTube का प्यारा सा लोगो यहाँ पे आपको दिखेगा। अब मेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं यार, मेल क्या है, किसके बारे में है। तो मेल के बारे में पढ़ते हैं। वी हैव रिसीव्ड सम रिपोर्ट्स ऑन योर चैनल दैट कंटेन इन अप्रोप्रिएट वीडियोज। वाह भैया, यार हमारे चैनल पे इनअप्रोप्रिएट वीडियो है। अभी तक मेरे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आया, कोई कॉपीराइट गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आया, लेकिन यहाँ से सीधा का सीधा मेरे पास एक मेल आता है जहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी जो वीडियो है वो इनअप्रोप्रिएट रिपोर्ट की गई है। चलिए यार गाइस, चलो एक बात के लिए हम सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लोग, अगर 10-15-50 लोग एक वीडियो को रिपोर्ट करते हैं तो कुछ भी नहीं होता, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हज़ारों लोग एक वीडियो को रिपोर्ट करते हैं तो इस तरीके का सिनेरियो बेसिकली हो सकता है। लेकिन उस केस में भी यूट्यूब मुझे डायरेक्टली मेल करके मेरे से परमिशन नहीं मांगेगा, वो क्या करेगा, डायरेक्टली मुझे गाइडलाइन स्ट्राइक दे देगा। तो वहां पे मेरे पास अपील का ऑप्शन आएगा, लेकिन ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, सीधा मुझे मिला ये मेल। चलिए यार गाइस, दूसरी जो लाइन है वो पढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग सफर जो है हमारा इसको कंटिन्यू करते हैं। बट यू डोंट हैव टू वरी। तो यार इन्होंने मुझे पहले बोला कि आपको जो है इन अप्रोप्रिएट वीडियोज आपके कंटेंट में है, यानी आपके चैनल पे है, लेकिन आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, यानी टेंशन की जरूरत नहीं है। तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया हूँ भैया, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है किसी को भी, चैनल जो है कंटिन्यू रन होगा, लेकिन वीडियो जो है, माफी चाहूंगा, जो मेल है वो आगे थोड़ा सा जरूर पढ़ लेते हैं। एन ईमेल विल बी सेंड टू यू आफ्टर अवर टीम रिव्यूज। मतलब ये जो ईमेल है ये पहले हमें भेजा गया है, अभी तक हमारे चैनल को रिव्यू इन्होंने नहीं किया है, ठीक है। रिव्यू योर चैनल, द क्वेश्चनरीज शुड बी कंप्लीटेड एंड सेंट एज अ रिप्लाई फॉर दिस मेल। ठीक है, तो अभी क्वेश्चनरीज जो है वो अभी कंप्लीट होके जो है रिप्लाई में इस मेल के आपको मिलेगी। उसके बाद देखो, इफ यू डोंट फिल आउट द सर्वे एंड अवर टीम फेल्स टू रिव्यू योर चैनल विल क्लोज। यार भैया बहुत ही सैड न्यूज़ है, 2 सेकंड का शोक यहाँ पे जरूर रखना चाहिए, यार मेरा चैनल होने वाला है बंद। जॉन यूएसए कंट्रोल ने मुझे, जॉन यूएसए ऑफिस से मेरे को आया है मेल, ठीक है। अब इसका सबसे नीचे वाले लाइन पढ़ो, थैंक यू फॉर योर पेशेंस इन दिस प्रोसेस, यानी ये प्रोसेस है और आप हमारे साथ हैं, पेशेंस आपने रखे हैं, तो पेशेंस तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम हैं एक ट्रेडर। अगर हम ट्रेडर हैं यार, मानो चलो प्रोफेशनल नहीं है हम, अगर थोड़े बहुत भी ट्रेडिंग जानते हैं तो यार पेशेंस तो हमारे अंदर बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पे हमारे, इन्होंने कहा है पेशेंस रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो बिल्कुल भैया थैंक यू सो मच। अब आते हैं नीचे, तो इन्होंने हमसे क्या क्या डिटेल्स जो है मांगी है। चैनल URL, कोई बड़ी बात नहीं है चैनल URL देने में। दूसरी, चैनल पासवर्ड। यार भैया, RBI ने सख्त, एक TV में जो कितने सारे ऐड देती है जिसमें आपको साफ साफ कहा जाता है कि किसी से भी आपका जो OTP है वो शेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपसे कोई भी आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स या इस तरीके की डिटेल्स मांगता है, आपका नंबर जहां पे एसोसिएटेड है, तो इस तरीके की डिटेल्स आपको किसी को नहीं देनी चाहिए। सेकेंड थिंग, आपका यूट्यूब का पासवर्ड कभी भी किसी को नहीं देना है आपको, जो चाहे आप खुद से यूट्यूब खुद भी आपका पासवर्ड ले, आपको नहीं देना है। अब लास्ट में देखो,
कॉपीराइट यस या नो, आपको बताना है कॉपीराइट ये हाँ है या फिर आपके चैनल पे या नहीं है। तो यार भैया अगर ऐसा मैं ही बता दूंगा तो पासवर्ड आप मुझसे क्यों मांग रहे हो। अब एक चीज नोटिस करने वाली है वो ये कि कभी भी YouTube इतना अनप्रोफेशनल मेल आपको कभी सेंड नहीं करेगा। दूसरी चीज मैं बताता हूँ वो ये कि कोई भी YouTube पे कोई भी ऑफिशियल, अगर आपसे क्लाइंट, आपका जो ऑफिशियल YouTube का जो मेंबर्स हैं या क्रिएटर्स हैं या फिर कोई भी मेल अगर ऑफिशियली आपको इस तरीके का रिसीव होता है तो वहाँ पे कभी भी किसी भी केस में आपसे पासवर्ड नहीं मांगा जाता। ये डेफिनेटली 100% तो फेक मेल है। अब मुझे इसकी और गारंटी कहाँ से मिली। अब यहाँ पे देखो टू मी में मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी है और यहाँ पे ऊपर देखो जहाँ से मुझे ये मेल जो है वो रिसीव हुआ है निक्की फॉर एवर समथिंग और लास्ट में देखोगे @mail.ru। तो भैया ये जो बंदा है पकड़ा गया यहाँ पे, क्योंकि YouTube ऑफिशियली कोई भी मेल इस तरीके की ईमेल आईडी से नहीं भेजता है। YouTube अगर भेजेगा तो वो @youtube.com या @google.com, ये दो ही ऐसे मेल एड्रेस हैं YouTube के पास जहां से उनके जो मेल्स हैं वो आते हैं। तो गाइज इसके लिए तो यार आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमारा जो चैनल है वो इसी तरीके से रन होगा जिस तरीके से हो रहा है। कोई भी यहाँ पे किसी भी तरीके से पंगा यहाँ पे मैं किसी को ये जो है मेल जो है वो किसी भी तरीके से अपने चैनल को अफेक्ट नहीं करने वाला है। जैसे कंटिन्यू अभी रन हो रहा है वैसे ही आगे रन होगा। ये वीडियो बनाई है आप लोगों को अवेयर करने के लिए। अगर आपके पास YouTube चैनल है और इस तरीके का मेल आपके पास आता है तो बिल्कुल 100% फेक मेल है, इस पे आप बिल्कुल भी इसको लेके बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। द रीजन इज करना क्या है, इसको बिल्कुल इग्नोर करो, इसका रिप्लाई करने की ही जरूरत आपको नहीं है। अगर आपने रिप्लाई में पासवर्ड दे दिया तो होगा क्या इस केस में, अगर पासवर्ड उनके पास गया तो आपका वीडियो वो प्राइवेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं चैनल के, जैसे आईडी और पासवर्ड आपने उन्हें दे दिया तो वहां पे जाके सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको चेंज कर सकते हैं, नंबर चेंज कर सकते हैं, वेरिफिकेशन के लिए जो भी चीज आपने डाली हुई है वो चेंज कर सकते हैं और अपना एडसेंस अकाउंट वहां पे लिंक करके पैसे जो है उनके एडसेंस अकाउंट में वो ले सकते हैं। कभी भी इस तरीके का कोई सिनेरियो नहीं आना चाहिए और करना भी नहीं है, ठीक है। और एक और चीज बता दूं, ये जो चीज है टोटली इलीगल है, अगर इस तरीके से कोई भी करता हुआ पकड़ा जाता है तो यहाँ पे साइबर क्राइम के अंतर्गत आपको काफी नॉन बेलेबल वारंट जो है आपके खिलाफ इश्यू हो सकता है। तो ये चीजें जो है अब पता नहीं मैंने तो ये चीज जो है रिपोर्ट कर दी है, बाकी जो है जो होगा वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। बाकी एक चीज जरूर बता दूं, अवेयरनेस के लिए वीडियो थी, हमारा जो चैनल है हमेशा इसी तरीके से रन होगा जिस तरीके से अभी रन हो रहा है, कोई किसी तरीके से भी बीच में नहीं आएगा जैसे कि आपको ये मेल देख पा रहे हैं। गाइस यार चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अर्निंग के लिए यार अभी ये काम करना है, टेलीग्राम चैनल पे हो जाना है ज्वाइन, लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दूसरी चीज, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार अभी लाइक कर दो, क्योंकि कब लाइक करोगे यार, एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, चैनल में बिल्कुल नए होना तो सब्सक्राइब करके चले जाओ, वीडियो बहुत ही जल्दी बनाई है तो यार प्यार जरूर देना वीडियो को, लव जरूर देना, लाइक करके शेयर जरूर कर देना। चलिए गाइस मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।